हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है शंभू स्टडी जोन में। जो आज की वीडियो है स्टार्ट किया जा रहा है यहाँ से कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 11। तो सबसे पहले उसमें टॉपिक आता है जहाँ से कंफ्यूजन शुरू होती है कि व्हाट इज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम होता क्या है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताया जा रहा है कि एन एल्गोरिथम इज अ सिंपली अ सेट ऑफ स्टेप यूज टू कम्प्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। किसी भी टास्क को हम जब कम्प्लीट करने में कोई स्टेप्स यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड दे अलाउ थिंग्स लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स एंड वेबसाइट टू फंक्शन एंड मेक डिसीजन। यहाँ पे छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे। जैसे मान लिया कि आपको बाइक चलाना सीखना है, तो बाइक चलाना सीखना है तो कैसे सीखेंगे, जाते ही बाइक पे बैठ कर उसको स्टार्ट करते हैं क्या? नहीं, उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बाइक को स्टैंड से हटाएंगे, स्टार्ट बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये भी क्या होता है कि स्टेप्स इसमें आपको यूज करने पड़ते हैं। ठीक है ना, हम डेली लाइफ में हर वर्क के लिए, हर टास्क के लिए क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके हमको उनको यूज करना पड़ता है। ठीक है ना, तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिथम होता है क्या। जो भी हम वर्क करते हैं उसके लिए क्या होता है, कुछ सिक्वेंस एक स्टेप्स की जरूरत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करें। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो फ्लो चार्ट पे होगी। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।